हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों, इस टाइम का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ निकल के सामने आया है। दोस्तों, हेरा फेरी 3 से गुड न्यूज़ आया है। आपको बता दूं दोस्तों, अक्षय कुमार को एक बार फिर से रिटेन कर लिया गया है हेरा फेरी 3 के लिए। बिल्कुल दोस्तों, अभी अभी न्यूज़ आया है कि हेरा फेरी 3 करेंगे अक्षय कुमार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अक्षय कुमार के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसे ही हेरा फेरी 3 के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, हेरा फेरी का इंतजार सबको है। ऐसे में आपको बता दूं, हेरा फेरी 3 को लेकर अभी कुछ महीने पहले अपडेट आया था कि फिल्म से अक्षय कुमार को हटा दिया गया है। और दोस्तों, मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर राजू का कैरेक्टर के लिए कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया गया था। और दोस्तों, ये बात अक्षय कुमार ने भी कन्फर्म कर दिया था कि वो हेरा फेरी 3 नहीं करेंगे अपने एक इंटरव्यू में। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, फैंस को ये बात पसंद नहीं आया और फैंस ने ट्रेंड चलाया #NoAkshay NoHeraFeri3। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेंड चला था काफ़ी दिन तक, जिससे मेकर काफ़ी चिंता में हो गए थे। तो गाइज, बताते चले, अब मेकर ने डिसाइड किया है, यानी फिरोज नाडियाड वाला ने डिसाइड किया है कि फिल्म में अक्षय कुमार होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अक्षय कुमार को रिटेन कर लिया गया है राजू के कैरेक्टर के लिए। और दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है फैंस के लिए, और इस गुड न्यूज़ के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। फिलहाल दोस्तों, बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म का शूटिंग 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, आप सब कितने एक्साइटेड हो हेरा फेरी 3 को लेकर, लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और स्पेशली दोस्तों, अक्षय कुमार को देखने के लिए वो भी लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही हेरा फेरी 3 के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।